नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड तपरी। आमिर खान के फैन आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आमिर खान से खूब नफरत करते हैं, वजह है कट्टरपंथी। आज अचानक से आमिर खान ट्रेंड करने लगे। अब ट्रेंड की वजह तो आप सबको पता ही लग गई होगी, क्योंकि आमिर खान ने आज तलाक का ऐलान किया कि वो अपने पत्नी से तलाक ले रहे हैं। इन सब के बाद काफ़ी अफवाहें उड़ गई, काफ़ी लोग दूसरी एक्ट्रेस के साथ आमिर खान का नाम जोड़ने लगे। हालांकि कोई पुष्टि नहीं थी, लोग फालतू ही नाम जोड़ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आमिर खान ने तलाक की घोषणा करी, उसके बाद फातिमा नाम की एक शख्स ट्रेंड करने लगी। अब आप सोच रहे होंगे फातिमा कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। हालांकि फातिमा का नाम जैसे ट्रेंड हुआ, हमने सर्च किया कि फातिमा कौन है, तो हमें पता लगा कि आमिर खान के साथ फातिमा कई शोज में देखी जा चुकी हैं, कई पार्टीज में भी दोनों साथ गए हैं। फातिमा एक एक्ट्रेस है, कई बॉलीवुड फिल्म हो गई या फिर कई सीरियल्स हो गए उसमें फातिमा ने काम किया था। अब इन सबको लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें बना रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यही रीज़न था जिसके वजह से आमिर खान तलाक दे रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि फातिमा एक दोस्त है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि फातिमा की वजह से ही ये पूरा कलेश हुआ। आमिर खान का फातिमा से कुछ चल रहा है, मतलब प्रेम संबंध चल रहा है, दोनों रिलेशनशिप में है, इसी कारण ये सब बवाल हो रहा है। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हो पाई है और ना कि कोई आमिर खान के पत्नी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया कि किस वजह से हुआ है। हालांकि मीडिया में चर्चा बहुत तेज से फैली है कि फातिमा के साथ आमिर खान का जरूर कुछ ना कुछ चक्कर था, तभी कुछ ऐसा हुआ। अब आपको क्या लग रहा है, आमिर खान का चक्कर फातिमा के साथ है या नहीं, या फिर तलाक होने की कुछ और ही वजह है? इन सब को लेकर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नई नई कैसी मिलेगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ट्रेंड तपरी।